नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम दुनिया दरबार में। संगीत का क्या महत्व है हम सभी जानते हैं। संगीत वह है जिससे इंसान के दुख दूर हो जाते हैं, इंसान संगीत में मंत्र मुग्ध हो जाता है और अपने सभी गम भूल जाया करता है। अकबर के दरबार में नौ रत्नों में से एक रत्न तानसेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कहते हैं तानसेन के गाने पर चिराग भी जल उठता था, आसमान से जल बरसने लगता था। संगीत में कितनी ताकत है इसे हमने और आपने केवल सुना ही है, पर क्या संगीत के आगे झुककर किसी देश के कानून में बदलाव हो जाए, ये शायद आपने पहली बार सुना है। आपको बता दें कि ये सच है, संगीत की ताकत के आगे झुककर एक देश के कानून में बदलाव ला दिया गया है। क्या है पूरी खबर आप जानेंगे यहाँ यानी दुनिया दरबार। साउथ कोरिया के मशहूर पॉप सिंगर जिनके बैंड का नाम है BTS, पूरा नाम बैंगटन सोनिए ओंदन या बियॉन्ड द सी, ये कोरियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट। इस ग्रुप का उद्देश्य है कि ये सामाजिक आलोचनाओं से परे, गोलियों की तरह लगने वाली बातों से परे अपने सपनों को नई उड़ान देने से जुड़ा है। इस मशहूर बैंड में कुल 7 मेंबर्स हैं जिसमें RM, जिन, सुगा, जे होप, जिनमिन वी और जोंगकुक इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। इस ग्रुप में जो जिन है वो किम का ही स्टेज वाला नाम है। इस बैंड ने ना केवल नॉर्थ कोरिया में ही बल्कि दुनिया भर में हंगामा मचा रखा है। अमेरिका में एक मशहूर गानों की लिस्ट हर साल तैयार की जाती है जिसे बिलबोर्ड के नाम से जाना जाता है, और बिलबोर्ड हॉट 100 में 3 साल से BTS के 3 गानों ने ही पहला स्थान जीता है। BTS ग्रुप ने अब तक के सभी मशहूर गानों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। BTS की फैन फॉलोइंग की बात करें तो BTS के फैंस सोशल मीडिया के जरिए सोशल मुद्दे को उठाकर सोशल जस्टिस की भी बात करते हैं, और साथ ही उनके फैंस आपस में ही मिलकर धनराशि जमा कर गरीबों की मदद करते हैं, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, ब्लड डोनेट करना और कभी तो युद्ध से प्रभावित देशों में भी वे मदद पहुंचाते हैं। ट्रंप के साथ हुई ट्रेजेडी आपको याद ही होगी जिसमें उनकी रैली में टिकट तो खरीद लिया गया था परंतु कोई उपस्थित नहीं हुआ था। तो आपको बता दें कि ये कारनामा भी BTS के फैंस ने ही किया था। BTS के फैंस 100 से भी ज्यादा देशों में प्रशंसक हैं और कई देशों में इस ग्रुप की करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। अब BTS के फैन फॉलोइंग के कारण दबाव में आकर ही साउथ कोरिया की सरकार को अपने मिलिट्री एक्ट में बदलाव करना पड़ा है। ये तोहफा साउथ कोरिया ने BTS के किम उर्फ यनजिन के 28वें बर्थडे पर दिया है, क्योंकि उनके फैंस की मांग थी कि अगर वे मिलिट्री सर्विस में गए तो पूरे कोरियन म्यूजिक को नुकसान होगा। इस कारण सरकार को ये मांग माननी पड़ी। साउथ कोरिया ने मिलिट्री एक्ट में किस प्रकार के बदलाव किए हैं इसे जानने से पहले आप जान लीजिए पूरा लॉ। पुराने मिलिट्री कानून के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ पुरुषों को कुछ समय के लिए आर्मी ज्वाइन करना आवश्यक होगा। ये सर्विस कितने समय के लिए होगी ये केवल आपकी पसंद पर तय होगा। सेना में जाने के बाद सर्विस को कम से कम 21 महीने नेवी में, 23 महीने और वायु सेना में 24 महीने की अवधि के लिए कार्य करना होगा। इस लॉ का पालन करना अनिवार्य होगा और महिलाओं को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकती है। साउथ कोरिया के कई लोग इस लॉ का विरोध भी करते रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर सरकार जेल में भी डाल दिया करती थी। हालांकि 2018 में कुछ बदलाव लाया गया। आइए अब जान लीजिए कि संशोधित कानून क्या कहता है। तो आपको बता दें कि संशोधित सैन्य कानून के मुताबिक संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर देश और दुनिया में नाम रोशन करने वाले पॉप संस्कृति के कलाकारों को असाधारण वजहों से 30 साल की उम्र तक अपनी सैन्य सेवाओं को स्थगित करने की अनुमति होगी। संशोधन के पहले सैन्य सेवा के तहत केवल एथलीट, शास्त्रीय संगीतकारों या विदेशों में PhD कर रहे शोधार्थियों को ही इससे छूट देने का प्रावधान था। इस बैंड के प्रशंसकों को BTS आर्मी के तौर पर भी जाना जाता है। प्रशंसकों ने कानून में बदलाव का स्वागत करते हुए इसे BTS कानून का भी नाम दिया है। अब वक्त है आज की सुर्खियों का। पहली सुर्खी, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि 20 जनवरी को प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन यानी नई सरकार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर उत्सव वर्चुअल तरीके से नहीं मनाया जाएगा तो बड़ी संख्या में अमेरिकी कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आ सकते हैं। दूसरी सुर्खी,
भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे के रविवार को सऊदी अरब और यूएई के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना होने की खबर है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। आखिरी सुर्खी, कनाडा ने एक बार फिर से भारत के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाई है। जी हां, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर कहा है कि कनाडा भारत में प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करता है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर कहा है कि वे अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करते हैं। इस रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन मैं फिर जुड़ूंगी आपके साथ देश और दुनिया की ताज़ा खबरों को लेकर। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मीडिया दरबार से। धन्यवाद।